उत्तर प्रदेश के आगे देश के मुखिया परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे कालखंड के साथी हैं जहाँ एक और इस देश की बागडोर एक परम पवित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक परम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज, जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज के दिन ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भव्य और दिव्य प्रयागराज का कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया और जब 2025 हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया हूं। भैया बहनों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सर्वानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य
श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, माननीय विधायक कार्य श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रवीण पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व निवर्तमान महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, यहाँ के चुनाव के सहप्रभारी श्री महेश चंद श्रीवास्तव, प्रयागराज की पावन धरा को जिसे भगवान प्रयागराज ने, माँ गंगा ने, माँ यमुना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से अक्षय वट जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है, इस पावन धरा को भारत का लोकतंत्र है।